हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। फ्रेंड्स, सुबह के 8 बज रहे हैं। मैं जस्ट अभी उठा हूँ और ये देखो सालू सुबह 7 बजे उठ गई थी, पूजा वूजा कर चुकी है और अभी चाय पी रही है क्योंकि सुबह के टाइम में ये चाय पीती है। तो अभी आज संडे का टाइम है तो निश्चल का डिमांड था कि पापा मेरे को बर्गर दो और एक माजा दो, यानी पूरा मॉल वाला मजा लेना चाहता है। तो मैं इसके लिए ब्रेड लेने जा रहा हूँ, सालू घर पे इसके लिए बर्गर बना देगी और एक माजा जो 10 रुपये वाला आता है। तो मैं जा रहा हूँ जस्ट अभी दुकान लेने के लिए और कल हमारे घर में थोड़ी सी चीनी खराब आ गई थी तो उस चीनी को चेंज करने जा रहा हूँ क्योंकि उस चीनी में थोड़ी सी स्मेल सी आने लगी थी। तो जस्ट अभी दुकान जाऊँगा, थोड़ा सा दूध दूध भी लेके आना है। सालू जो दूध बचा हुआ था कल का उसमें तो चाय पी ली, लेकिन मेरे लिए दूध नहीं है चाय पीने के लिए। दोस्तों, मैं अभी दुकान जा रहा हूँ और ये मैंने डबल मास्क लगा लिया है क्योंकि आज के रेट में डबल मास्क ही ज़्यादा सेफ्टी है। तो ये जो चीज़ है, ये देखिए हमारे पार्क में पहले बच्चे इस टाइम खेला करते थे सुबह 8 बजे के टाइम में, लेकिन अभी पार्क बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है, कोई नहीं है। आप देख सकते हो पूरी सोसाइटी बिल्कुल खाली सी है, बस थोड़े से ही फैमिली रह गए हैं यहाँ पे। यहाँ से दुकान थोड़ा बाहर है, सोसाइटी के बाहर है, तो मैं वहाँ पर जाऊँगा। बस मैं ही निकलता हूँ नीचे, डिस्टल भी नहीं निकलता है, ना सालू निकलती है बाहर। ये दोस्तों देखिए, मैं सोसाइटी से बाहर आ चुका हूँ। यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर दुकान है क्योंकि जो सोसाइटी की दुकान है उसके अंदर कुछ ज़्यादा सामान मिलता नहीं है, कई बार दूध भी नहीं रहता वहाँ पे, तो मेरे को बाहर ही जाना पड़ता है सामान लेने के लिए। तो यही है भैया, अपना सेफ्टी हो के निकलते हैं, सैनिटाइजर वैनिटाइजर लगा के फिर अभी सामान लेके आते हैं। ये रही दुकान, तो मैंने यहीं से ले लिया है, ये सारे सामान ले लिए हैं, ब्रेड पार्ले जी, दूध। तो अब मैं घर जा रहा हूँ, निश्चल इंतज़ार कर रहा होगा कि जल्दी से उसको ब्रेड की यानी क्या बने मिलके दे बर्गर, और साथ में मैंने एक माजा भी ले लिया है तो वो उसका एंजॉय लेगा आज, माजा और बर्गर का। तो ये देखिए निश्चल का सारा सामान आ चुका है, तो निश्चल बहुत खुश है, अब ये सोच रहा है कि कब बनेगा कब मैं खाऊं। दोस्तों, ये मैंने कपड़े उपड़े चेंज कर लिए क्योंकि जब भी मैं बाहर जाता हूँ ना तो कपड़े उपड़े को पूरा चेंज कर देता हूँ और अच्छी तरह से पूरा यानी अच्छी तरह से हैंड वॉश वैंड वॉश पूरा फेस वॉश सब कर लेता हूँ ताकि बाहर से ये चीज ना आए अंदर। तो ये चीज है, सेफ्टी बहुत जरूरी है दोस्तों। और दोस्तों ये देखिए, मेरी मोहतरमा ने नाश्ता बना दिया, ये आलू टमाटर की सब्जी है और रोटी है, सच्ची में बहुत काम करती है कसम से, कभी कभार तो दिल आ जाता है सच्ची में यार, तो बेहतरीन काम करती है, आई लाइक सच्ची में। ये देखो बेचारी गर्मी के अंदर भी इतना सब चीज टाइम से देती है, 10 बज चुके हैं लेकिन नाश्ता तैयार है कसम से, लोग नाश्ता खा रहे हैं। और ये निश्चल का देखो, ये है छोटी कटोरी, इसमें रोटी है, तो ये है मजा आ जाता है, आलू टमाटर की सब्जी है भंडारे वाली, वाह सालू बनाती है खाना जबरदस्त की टॉप की। भाई सुबह सुबह उठ के पूजा पाठ करना फिर नाश्ता तैयार करना बाकी कुछ और होता है, सब्जी करके बिल्कुल हर चीज करती है घर के अंदर, टाइम से करती है बिल्कुल, टाइम से उठती है टाइम से सब्जी करती है, क्लासिकल इंडियन लेडी, क्या बात, वाह। और दोस्तों ये देखिए दोपहर का टाइम है और सालू बर्गर बनाने में लग चुकी है और निश्चल के लिए बर्गर तैयार हो रहा है, तो अभी टिक्की सेके जा रही है बिल्कुल लाइट ऑयल के अंदर क्योंकि आज निश्चल का डिमांड था कि भैया आज टिक्की खाना है, तो आज इसी के लिए टिक्किया सेकी जा रही है, क्या बात है। इतनी गर्मी है ना इस किचन में, आप खड़ा नहीं रह सकते 5 मिनट के लिए भी, ये क्या करें, बच्चे की फरमाइश तो पूरी करनी पड़ती है ना, तो निश्चल की फरमाइश थी आज बर्गर खाना है। भाई निश्चल, ये आज माजा लेके आया था तो एक छोटा सा है, ये दिखाएगा अपना माजा, ये देखिए ये देखो यहाँ पे रखा हुआ, अरे क्या बात है निश्चल, मेरा माजा है, आप क्यों मेरे को क्यों नहीं देगा भाई, अब ये किसी को नहीं देगा, मैं लेके आया बस मेरे को भी नहीं देगा एक दो घूट पीने के लिए, सच्ची में कसम से दोस्तों। हाँ। ये दे भाई, दोस्तों ये देखिए निश्चल का बर्गर बन चुका है बिल्कुल ही मजे में, क्या बात है निश्चल। दोस्तों ये तैयार हो चुका है निश्चल का बर्गर और माजा, आज निश्चल पूरे मॉल का लिफ्ट लेगा, क्या बात है निश्चल। अब ये बैठ गए दोनों माँ बेटा, लेकिन मैंने बोला सालू को तू खा ले, बोला नहीं मैं मोटी हो जाऊंगी इसलिए नहीं खा रही, और देखिए निश्चल खाने के लिए बैठ चुका है निश्चल, अरे दे दे भाई हमें भी दे दे तू, अरे दे दे यार दे दे, ये नहीं देने वाला दोस्त है, खुद खाता है सच्ची में कसम से, अरे खाओ 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 खा के तो बता कैसा है, ये देखो छुपा के खा रहा है, अरे बता तो दे, ये देखो मजा आ रहा है, कैसा लगा सावास, ओए ओए
टीचर तक खुश हो गया आज कसम से। अरे दिखा दे, हमें भी तो दे खाने के लिए। ये नहीं देने वाला हमें खाने के लिए। दोस्तों ये देखिए दोपहर का टाइम हो चुका है, निश्चल बर्गर खा चुका और आराम से टीवी को वॉच कर रहा है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, दोनों माँ बेटे बस तारक मेहता का उल्टा चश्मा ही देखते रहते हैं और कुछ नहीं चलता हमारे घर में, बस तारक मेहता का उल्टा चश्मा। थोड़ा मौसम थोड़ा सही होने लगा है, हल्की हल्की धूप सी चली गई, थोड़ा बादल टाइप से छाके लग रहा, बारिश वारिश तो होनी होगी। अगर बारिश होगी तो दोस्तों मजा आ जाएगा कसम से। और निश्चल का डिमांड अभी और आ रहा है, पापा कुछ और भी ले आओ, कुछ और बनाओ, पकौड़े खाएंगे। एक खाना खत्म नहीं होता दूसरा खाना स्टार्ट हो जाता निश्चल का। वो तो कितना खाता है भाई, वो इतना खाता है। दोस्तों मैं सच्ची बता रहा हूँ, अगर निश्चल को आपने एक बाल्टी भर के खाना दे दिया तो सारा खा जाएगा निश्चल। एक साल में सारा खा जाएगा, बताओ यार। निश्चल को खाने खाना खाने का इतना शौक है ना, आप इसको देते रहिए, खाता रहेगा खाना। हमें निश्चल। अब दोस्तों जो हमारी मोहतरमा है वो बोलती चलो वर्कआउट कर लेते हैं, क्योंकि भैया इनको ना पतला होने का बुखार छा गया कसम से। वर्कआउट करने के लिए बोला आज तो वर्कआउट करवाओ आप हमें, सच्ची में कसम से। तो ठीक है अभी इनकी वर्कआउट चालू होगी, अभी स्टार्ट करेंगे वर्कआउट। मुझे तो मजा आ जाएगा। निश्चल तू क्या करेगा भाई? देखो निश्चल फुल एंजॉयमेंट, निश्चल कभी टेंशन नहीं लेता है, चाहे कुछ भी हो जाए जिंदगी के कोई भी पल हो। तो मैंने बोला इनको कि आज मत कर वर्कआउट, क्योंकि मेरे सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो सुबह से इतना काम करता रहता हूँ, बिल्कुल वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, तो बहुत सारी एडिटिंग करनी पड़ती है। तो मैंने बोला आज रहने दे, आज संडे, कल से कर लियो वर्कआउट, मंडे से करेंगे। मुस्कुरा रही है लेकिन फिर बाद में बोलेगी अच्छा है मेरे को वर्कआउट नहीं करवाओगे तो। दोस्तों वर्कआउट तो करवाना पड़ेगा, बदमाशी तो स्टार्ट हो गई। बेटा पढ़ाई नहीं करेगा, एक्सरसाइज कर रहा है। ये देखो बोतल से एक्सरसाइज करने में लग गया, ये ऐसे ही करता रहेगा। बेटा पढ़ाई कर ले, मुझे तो बस ये बोल रहा है मेरे को पढ़ाई नहीं करना है, बस खेलना है। बोला पापा स्कूल बंद है तो मैं क्या करूंगा पढ़ाई। ये देखो बोतल से खेलने में लग गया, पढ़ाई नहीं करेगा। दादी बाबा का कौन लगाऊं? बेटा फ्रिज में बोतल लग दे, एक ही ठंडा बोतल बचा हुआ है, गर्मी का टाइम है, ठंडा पानी भी नहीं मिलेगा पीने को। पीने के लिए बहुत ही बदमाशी करता है दोस्तों, हद से ज्यादा। निश्चल तेरे को पकौड़े मिल जाएंगे खाने के लिए। अब देखो दूसरा बोतल निकाल के मस्ती शुरू हो गई इसकी, ये कभी रुकने वाला नहीं है कसम से दोस्तों, सच्ची में। ये देखो इसकी वर्कआउट चलती रहेगी दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और साथ में यही बताइए कि आपको किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तो आप अपना ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए और हेल्दी खाइए। और निश्चल के लिए प्लीज वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर भी करें। ओके थैंक्स।